हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास टेंथ का ये जो साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका हम आंसर की यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और आपके कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर सही जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका खंड क यानी कि सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इसमें पूछा था, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन का योग यानी कि उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। जिस भी प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हो यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता हो, तो उसे हम उपचयन प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि उपचयन होता है वो, ठीक है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा था, पृथ्वी की भू परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु यानी कि मेटल हमसे पूछा था, तो ये हमारा है एल्यूमिनियम, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसमें देखिए Na2CO3 10H2O, इसका सामान्य नाम हमसे पूछा था, तो ये होता है हमारा धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा होता है हमारा ये, ठीक है। इसका जो सामान्य नाम है वो हमारा है धोने का सोडा, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही यानी कि घटते क्रम में सही है। तो देखिए, इसमें हमारा ये जो डी वाला है ना, सबसे जो अभिक्रियाशील धातु है वो हमारा है सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक और सबसे कम आयरन, तो इसीलिए ये हमारा जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें पूछा था, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण, तो उभयधर्मी हमारा इन चारों में से कौन सा है, ये Al2O3 यानी कि इसका ये सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट था। और इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, तो इन चारों में से कौन सा दर्शाएगा, ये वाला AgNO3 विलयन और तांबा धातु, AgNO3 विलयन और तांबा धातु ये जो है ये क्या दिखाएंगे, ये क्या दर्शाएंगे, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इनका जब इसका और तांबा धातु का अभिक्रिया होगा तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हमारा होगा इसमें इन दोनों का, ठीक है। तो इसका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको हिंदी मीडियम में ऑप्शन बताए थे वही ऑप्शन हिंदी मीडियम के अलावा इंग्लिश मीडियम में भी राइट है। जैसे कि फर्स्ट का मैंने आपको हिंदी मीडियम में ए बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका भी ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड का मैंने आपको एल्यूमिनियम यानी बी ऑप्शन बताया था। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा इसका कॉमन नेम। इसके अलावा फोर्थ का ये वाला हमारा ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमसे पूछा था, तो हमारा इसमें Al2O3 ये हमारा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा जो सिक्स्थ है इसका ये बी वाला हमारा करेक्ट था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखा जाता है, जो प्रेक्षण किया जाता है वह है, तो इन चारों में से कौन सा होगा, तो इनमें से हमारा ये वाला ही होगा, हल्के हरे रंग का विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाता है, ये हमको देखने को मिलेगा जब हम एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखेंगे, तो ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट था। और जो एट्थ क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो ये आपको पता होगा कि खाद्य रिक्तिका में होता है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यानी कि ये प्राप्त होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसके बाद जो टेंथ क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि प्लाज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये बहुखंडन कहलाता है, यानी टेंथ का हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो करेक्ट है। इसके बाद
जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण या फिर लक्षण माता पिता से संतति में वंशागत हो सकता है? तो बड़ी नाक, यानी कि ये हमारा वंशागत ये हो सकता है लक्षण, ठीक है। तो इसीलिए 11th का हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा था कि ये जो चार हमें दिए गए हैं गुण, इनमें से कौन सा गुण जो माता पिता है, माता पिता से उनके संतति यानी कि उनके संतान में वंशागत हो सकता है, तो ये बड़ी नाक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा था कि यदि लार में लार एमिलेस ना हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी? तो मंड का शर्करा में खंडित होना, ये हमारा जो है ये प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसीलिए 12th का ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी वही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, वही ऑप्शन करेक्ट होगा जो मैंने आपको अभी हिंदी मीडियम में बताया है, तो इंग्लिश मीडियम में आप देख लेना। इसके बाद जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कि सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, परावर्तित किरण होती है तो कैसी होती है? अभिसारित होती है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और 14th क्वेश्चन है कि ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश, क्या होता है लाल प्रकाश? ये हमारा धुएं या कोहरे से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, यानी कि सबसे कम फैलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट था। इसके बाद जो 15th क्वेश्चन है, प्रकृति यानी कि पारितंत्र के सफाई कर्मी क्या कहते हैं हम? विघटक यानी कि अपमार्जक कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। और 16th क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय कचरे में शामिल है तो लकड़ी का बुरादा, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके अभिकथन और कारण यानी कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें अभिकथन में हमें दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है, तो क्या ये हमारा अभिकथन सही है? ये बिल्कुल सही है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये किसी भी पदार्थ के भौतिक और उसके रासायनिक गुणों को चेंज कर देती है, तो इसीलिए ये हमारा अभिकथन सही है। कारण देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि कारण भी सही है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें पदार्थ जो होता है, जिस भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी रासायनिक संरचना जो होती है वो उसमें चेंज आ जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन में, तो इसीलिए कारण भी सही है। और जो अभिकथन है इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ये कारण, तो इसीलिए इसमें हम 17th में ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। यानी कि 17th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 13 इंग्लिश मीडियम में है, तो जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको बताया था वही इंग्लिश मीडियम में भी राइट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का, इसमें ये कन्वर्ज्ड यानी कि इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसको आप देख लेना, जो मैंने आपको हिंदी मीडियम बताया था वही इंग्लिश मीडियम में भी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो इसमें देखिए अभिकथन यानी कि असर्शन में बोला है कि आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयन करते हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है अभिकथन। और रीजन है कि सभी मछलियों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है, ये सही नहीं है। जितनी भी मछलियां हैं, यहाँ पर सभी मछलियों की बात हो रही है, सभी मछलियों में निषेचन जो है वो आंतरिक रूप से होता है, ये हमारा कारण गलत है, ठीक है। तो इसीलिए अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है ये गलत है, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18th क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रहा अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 18th क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें बोला है अभिकथन किसी सीधे चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है, तो इसमें अभिकथन तो हमारा बिल्कुल सही है,
और कारण में बोला है कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार दी जा सकती है, ये हमारा जो कारण है ये गलत है। ठीक है, तो इसका भी हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा 19th क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में अभिकथन दिया है कि ओजोन ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरणों की उपस्थिति में O2 द्वारा बनता है, तो अभिकथन हमारा जो है ये सही है। ठीक है, और रीजन देखिए, कारण ने बोला है कि ओजोन परत की क्षति से यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है, जब ओजोन परत की क्षति होगी, ओजोन परत में छेद होगा, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यानी कि जो ये यूवी किरणें जो होती हैं ये पृथ्वी तक पहुंचेंगी, जिससे क्या होता है स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए कारण भी सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो कारण है ये इस अभिकथन से रिलेट नहीं कर रहा, यानी कि अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये कारण, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड ख स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो मैंने आपको पूरा एमसीक्यू करा दिया है, हो सकेगा तो क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे का सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।